कई ऐसे देश हैं जहाँ के नागरिकों को बेरोजगार होने के कई फायदे दिए जाते हैं। इन देशों के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है फिनलैंड का, जहाँ सरकार बेरोजगार व्यक्ति को 800 यूरो हर महीने यानी करीबन 70,000 रुपए मुफ्त में देती है। ऐसे में आप ये सोचेंगे कि इस फायदे को देखकर लोग नौकरी करेंगे ही क्यों, पर ऐसा नहीं है। इस बेनिफिट के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू करके रखे हैं, जिनमें से पहला है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का टाइम पीरियड जो है 400 दिन का, यानी 400 दिन तक ही कोई इस बेनिफिट का फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपने आप को एक एक्टिव जॉब सीकर की कैटेगरी में एनरोल करना पड़ेगा और इसका पूरा ब्यौरा हर महीने सरकार को अपडेट करना होगा, जैसे उन्होंने कितनी जॉब एप्लीकेशन भरी, कितनों में उन्हें रिजेक्शन मिले। तीसरा और सबसे जरूरी है शिक्षा। वो इस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का फायदा तब ही उठा सकते हैं अगर उन्होंने मिनिमम एजुकेशन पूरी की हो। मान लीजिए ऐसा नहीं है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिनलैंड सरकार ने इस पूरी पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए और जरूरतमंदों को पूरा बेनिफिट मिले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल भारत संवाद के साथ।